वो कहेगा रेडियो एक्टिविटी में, अगर वो कहेगा कि एक्टिविटी निकाल लो, एक्टिविटी निकाल लो या रेडियो एक्टिविटी निकाल लो या फिर डीके रेट निकाल लो, टूटने का रेट निकाल लो, टूटने का रेट को ही एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, टूटने के रेट को बोला जाता है डीएन बाई डी टी, डीएन बाई डी टी, डीएन एटम टूट गए डी टी टाइम में, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर फॉर रेडियो एक्टिविटी या डीके रेट, तो आर किसके इक्वल होता है डीएन बाई डी टी, लेकिन हमने रेडियो एक्टिविटी का लॉ किया था डीएन बाई डी टी किसके इक्वल होता है लैम्डा इन टू एन, और एन की वैल्यू क्या थी एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो आपका जब न्यूमेरिकल आएगा एक्टिविटी पे या रेडियो एक्टिविटी पे तो आर की वैल्यू क्या होगी लैम्डा एन। ये फॉर्मूला सबसे काम का है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, एक्टिविटी इसके इक्वल है, एक्टिविटी आर के यूनिट्स क्या होते हैं डीएन बाई डी टी के यूनिट्स क्या होंगे डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा कि एक्टिविटी रेट 1000 डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में 1000 एटम टूटता है, उसको एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज नोट करें, एक्टिविटी क्या होती है,